दान कीजिए, लाख काम छोड़ करके दान कीजिए, जो दान में पर जो आपको करना है, अष्टयाम करना है, नवा करना है, कोई मंदिर बनाना, कोई परमार्थिक कार्य कर लीजिए। और सर्वं त्यक्त्वा हरिं भजेत उत्तम पक्षे है, मानव जीवन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला, इसका दूसरा तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवत भजन, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति के अलावा जो कुछ मानव जीवन में हम कर रहे हैं, हम करोड़ों करोड़ों बार संसार चक्र में भटकते हुए अनेक योनियों में करते आए हैं, यह जीवन केवल और केवल भगवान ने हमें भजन की ही लिए दिया है। केवल शब्द अन्य को बाधित करता है, मैंने और कोई प्रयोजन नहीं मानव जीवन। फिर आप कहेंगे कि हम शादी ब्याह करते हैं, मकान दुकान बनाते हैं, फलना करते हैं, चलना करते हैं, उत्तम पक्ष है शादी विवाह कुछ न करें, लेकिन आप सबकी ऐसी हो गया तो इसको क्या करें, सबकी ऐसी स्थिति नहीं है। तो शादी विवाह ये प्रयोजन सुख विषय भोग नहीं है उसका, उसका भी प्रयोजन शास्त्र और संत कहते हैं कि हमारी वासना जो संसार में भटक रही है उसको एक जगह निहित करके धीरे 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 खत्म करना है, यही विवाह का लक्ष्य है। निवृत्ति ही विवाह का लक्ष्य है, मूल उद्देश्य भजन है। मकान दुकान इसलिए बनाना है कि हम रहेंगे कहाँ, भजन कहाँ करें, आप जीवन निर्वाह के लिए ये है लक्ष्य नहीं, वो हमारा साधन है, साध्य भगवत भजन है। इसलिए गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो, भजन आदिक्षादि करे। चंद्रकला बहन जी को देखिए, गृहस्थी में रही, ये प्रपंच वो नहीं करती थी भजन, लेकिन गणेश जी तो पूरा संपर्क रखती थी, उनके प्रधान सेवक बहन का नाम है गणेश जी का। हाँ बिल्कुल, आपने सब कहा महाराज जी। गणेश की स्थिति उस समय बहुत कुछ अलग थी, मैंने भी तो देखा है, ऐसा प्रपंचिक रूप में थोड़ी सर मंत्र रखती थी। गणेश जी पहले बहुत कुछ दूसरे ढंग के थे। उनका ज्यादा उम्र होगा सर का, गणेश जी का आपसे कुछ ज्यादा तो होना, 50 से तो ज्यादा है ही है, 50 से नीचे कुछ ज्यादा का, बहुत ज्यादा हो गया।